सब्जी मंडी नमोहल की जगह पर शरारती व्यक्ति के द्वारा झूठा आरोप लगाया गया और जब मौके पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने छानबीन की और सब्जी मंडी की निशानदेही की तो जगह सब्जी मंडी की ही निकली। यह जगह मार्केटिंग कमेटी ने आड़तियों को दी थी। लोगों ने शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिसने राजस्व विभाग को गुमराह किया और झूठे इल्जाम सब्जी मंडी आड़तियों पर लगाए। निशानदेही दी जा रही है अभी मौके पर। लोकल स्टाफ, हमारे पटवारीज, कानून और स्थानीय लोग जितने भी हैं, नंबरदार, प्रधान, सब लोग मौजूद हैं। निशानदेही अभी चल रही है, देखेंगे। ये जो शेड अलॉट हुए हैं, ये मार्केटिंग कमेटी के थ्रू अलॉट हुए हैं, जैसा कि लोगों का कहना है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हमें प्रोवाइड किए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाकई ज़मीन मार्केटिंग कमेटी के नाम है या नहीं। निशानदेही कम्प्लीट होने पर ये हम बता पाएंगे। फिलहाल प्रोसेस अभी चल रहा है। अच्छा सर, ये जो यहाँ पे शेड दिए गए हैं, या एक ही बंदे के लिए दिए गए हैं शेड, या तीन बंदों के लिए दिए गए हैं सर? ये शेड तीन लोगों को अलॉट है। ये दुकानें चार, पाँच छः सात नंबर दुकानें अलॉटेड हैं। इनके शॉप्स अलॉट की गई है इन्हें, तो शॉप के साथ इनके शेड मौजूद नहीं थे, तो इनका कहना है इस वजह से इन्हें ये शेड सड़क के दूसरी तरफ इन्हें दिए गए हैं। अच्छा सर, इसमें एक ही बंदे के खिलाफ कंप्लेंट की गई या तीनों के खिलाफ कंप्लेंट की गई है? जो हमारे पास कंप्लेंट आई है डीसी साहब के थ्रू, दौलत राम जी ने कंप्लेंट की है, उसमें एक ही इंसान के खिलाफ कंप्लेंट है, मस्तराम नाम से। सब्जी मंडी मोल में आज किसी शरारती तत्व ने मेरे ऊपर अवैध कब्जे की मिसल माननीय नायब तहसीलदार के पास पेश करी है। उसमें उन्होंने मेरे खिलाफ अवैध कब्जे का केस बनाया है। हमें 2002 में मठ कमेटी बिलासपुर ने यहाँ 7 आड़तियों को दुकानें आवंटित करी थी, और दुकानों के साथ साथ हमें नीलामी मंच भी दिए गए थे, जिसमें हम किसानों की सब्जी और फल बेचते हैं। हमारे 4 मंच सब्जी मंडी की मंजिल में हैं और 3 मंच नीलामी मंच सड़क के ऊपर उपली साइड हैं, जहाँ किसानों की सब्जी बेची जाती है, और सभी किसान इससे खुश हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ कुछ शरारती तत्व जो पंचायत के अहदेदार अहदे पर बैठे हुए हैं, उनको बार बार तकलीफ होती है, और वह बार बार ऐसे ही मार्केट में कई लोगों को तंग कर चुके हैं, गांव में कर चुके हैं। तो मेरा प्रशासन से ये आग्रह है कि ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाए। सब्जी मंडी में मेरा कोई मलकियत हिस्सा नहीं है, मेरी कोई बिल्डिंग नहीं है। मैं यहाँ केवल मार्केट कमेटी द्वारा दी हुई दुकान, जिसका मैं किराया देता हूँ और मार्केट फीस देता हूँ, बाकायदा मेरा मार्केट कमेटी ने मुझे लाइसेंस दे रखा है सब्जी और फल बेचने का, मैं उसी काम को करता हूँ। मैं इस नीलामी मंच में जो शेड बना है, इसके अंदर ना कोई सरिया, सीमेंट, मैंने कोई भी वस्तु का कभी भी सेल परचेज का काम नहीं करा है, और यह बिल्कुल खाली है। किसी भी तरह का यहाँ बाड़बंदी नहीं लगाई है, ना कोई सेटर लगा है, सिर्फ नीचे एंगल और ऊपर चादर लगी है, वो सबके सामने है, लोगों को सुविधा है। पर मेरा बार बार प्रशासन से आग्रह है कि ऐसे कंप्लेंट करने वाले के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए।